दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं ठाकुर ब्लॉग्स 1, 2, 3। और आज का वीडियो होने वाला है एक और जर्नी, जो आज की जर्नी स्टार्ट होगी, जो उज्जैन से जाने वाले हैं इंदौर। इस जर्नी में आपको बताएंगे कि इस रूट पे कितने टोल है, कितने किलोमीटर हैं, कौन कौन से टोल मिलते हैं, ये सब इस वीडियो में आपको बताएंगे। घर बैठे ही आप इस वीडियो को देख के आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना टोल पे करना पड़ेगा इस रूट का। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अपनी जर्नी के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ से आदर्श के लिए गॉगल्स लेंगे और ये गॉगल्स लगा के ट्रिप करेंगे। एंजॉय। ठीक दोस्तों, अब हम मेन हाईवे इंदौर हाईवे पे आ चुके हैं और ये देखो भाई साहब, ट्रक पलट चुका है, डिवाइडर में टक्कर दे दी इस ट्रक ने। और अभी हम पहुंचने वाले हैं ये है छिपरा नदी का ब्रिज। इस नदी के किनारे बसे हुए शनिदेव महाराज नवग्रह शनि मंदिर है इस नदी के पास। आप आए और दर्शन करें और एंजॉय करें दोस्तों। इस हाईवे की बात करें तो इस उज्जैन से इंदौर की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है और ये 4-लाइन हाईवे है। बीच में डिवाइडर शानदार, ज़्यादा रस नहीं है इस रोड पे। और इस हाईवे पर बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल, लॉज बहुत सारे बने हुए हैं। जब कुंभ को पड़ता है वो उज्जैन में, तो यहाँ पर रस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी खड़े जा रहे हैं कि वाले हैं जी, आओ नहीं दीवास वाले। अच्छा जी भैया, जी आएंगे, आ तो रहो। अच्छा, दीवास वाला आओ नहीं आए। घूम के ऐसे करके चढ़े, पता नहीं कहाँ जा रहा, और कौन ले जा रही है ये रोड, और कहीं बनना ही है। चार पास होते था, एक साल में काम ही चाले है, पास काम चालू वरना पति सर्वे होएगा, टेंडर निकल रहा है सर्वे होएगा, फिर बजट को आधा
इस हाईवे पर समय लगता है इंदौर पहुंचने में उज्जैन से, फोर व्हीलर से आपको लगेगा 1 घंटा और टू व्हीलर से आप जाते हो तो 1.5 से 2 घंटे का टाइम आपको इंदौर पहुंचने में समय लग जाता है। ठीक है दोस्तों, और बस से आप जर्नी करेंगे तो इससे 1 घंटा लगेगा। और ये हमारा आ चुका है कैरा टोल प्लाजा, इसका नाम है नीनोरा टोल प्लाजा। इसका चार्ज है सिंगल जर्नी का 35 रुपीज और ये उज्जैन से है 10 किलोमीटर के बाद। ठीक है दोस्तों, और टोल को पार करते हैं और अपनी कंटिन्यू जर्नी करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जा रोड पर सदावार अमरुद मिलेंगे कौन का ये बाग मिल जाएंगे रोड किनारे बाग रात आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इसी हाईवे पर ड्राइव करना कितना आसान और एंजॉय भरा है। अपने स्पीड मेंटेन करके चलें और एक साथ चलते रहें अभी इस हाईवे पर। ठीक है दोस्तों, और एंजॉय करते रहें अपने ट्रिप को। अभी हम पहुंच चुके हैं सावर शहर के बाईपास पर और हम सावर शहर को छोड़ते हुए निकल रहे हैं बाईपास से। ये सावर शहर इंदौर शहर के डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये फेमस पॉइंट है सावर। अब हम यहाँ से लेंगे अमरूद और अमरूद का तो ये ट्रिप का एंजॉय करेंगे। देखते हैं क्या रुपए किलो है इस पॉइंट पर और फिर लेते हैं फिर खाते हैं तो आगे अपने प्रस्थान करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर महंगाई ना तो इंदौर में
यार 30 रुपया है, वहाँ 50 रुपया है। और हम आ पहुंचे अपने दूसरे टोल, ये हमारा 60 किलोमीटर के दायरे में ये दूसरा टोल है। बट पहले टोल में हम को चार्ज हुआ था 35 रुपीज, लेकिन ये दूसरे टोल में 0 चार्ज है। इस टोल पर चार्ज नहीं लगता। अगर उधर से आप आओगे तो उस पर आपको टोल लगेगा। बट अभी के टाइम हम टोल दे चुके हैं, तो दूसरा वाला टोल 0 टोल रहेगा। अब इसको टोल को क्रॉस करते हैं और ग्वाल इंदौर की सिटी में प्रवेश करते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं अरविंदो हॉस्पिटल। ये इंदौर का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और इसमें बहुत सारे बेड हैं इस हॉस्पिटल में। और ये सबसे बड़ा इंदौर का मेडिकल कॉलेज है अरविंदो। इस हॉस्पिटल में मैंने वैकेंसी के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। और ये काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, फेमस हॉस्पिटल अरविंदो को हम क्रॉस करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेट्रो को जन तक आएगा, मेट्रो को जन को तक आएगा काम। इंदौर में मेट्रो का काम 2-3 साल हो चुके हैं, मेट्रो का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया, अभी तक चल रहा है मेट्रो का। और हमको अब टर्न लेना है लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमको जाना है विजयनगर होते हुए सम्राट महाराज अशोक चौराहा होते हुए विजयनगर रेडिशन। ठीक है दोस्तों, हमको यहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ना है। अगर आप सीधे चले जाओगे तो आपको पहुंच जाओगे रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों, ये सीधा रास्ता जाता है रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, और हमको जाना है अभी लेफ्ट साइड। ये हमने टर्न हो चुके हैं लेफ्ट साइड और मेट्रो का काम जोर शोरों से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, पुल है, पुल ब्रिज। और हमारी जर्नी हो चुकी है कंप्लीट और हम पहुंच चुके हैं इंदौर। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, जिससे मैं ऐसे वीडियो नॉलेज आपके लिए लाता रहूँ। ठीक है, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।